बच्चों की, खासकर लड़कियों की फेवरेट हेलो किटी केक, सबके फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। दिखने में खूबसूरत, बनाने में आसान और खाने में लाजवाब। तो चलिए बनाते हैं सुपर सॉफ्ट, सुपर मॉइस्ट और स्पंजी डिलीशियस हेलो किटी स्ट्रॉबेरी केक। कार्टून फेस केक बना रहे तो यहाँ पर मैंने ये 7 इंच का एल्यूमिनियम टिन लिया है। इसे छोटे टिन में, मतलब 6 इंच के केक में फेस की डिजाइन अच्छे से नहीं बना पाओगे आप। अब केक को बेक करने के लिए हम कढ़ाई यूज करेंगे, तो इसमें एक स्टैंड रखकर एक बड़ी प्लेट या परात से इसे ढककर लो फ्लेम पर इसे 10 से 12 मिनट अच्छे से प्रीहीट होने देंगे। तब तक चलिए मैं आपको प्रीमिक्स के सही मेजरमेंट्स बता देती हूँ। तो एक बाउल में 1.5 कप, मतलब 200 ग्राम प्रीमिक्स निकाल लेना पहले, और इतने प्रीमिक्स के लिए पहले 1/2 कप पानी लेना। बाद में आप चाहो तो 1-2 चम्मच पानी कंसिस्टेंसी को चेक करके ऐड कर सकते हो। हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जब हम 100 ग्राम के प्रीमिक्स से केक बनाते हैं, इससे 150 ग्राम का स्पंज बनेगा, मतलब प्रीमिक्स से स्पंज का वेट 1.5 गुना ज़्यादा रहेगा। उस हिसाब से 200 ग्राम प्रीमिक्स से करीबन 300 ग्राम स्पंज बनेगा। फिर जितनी क्रीम आप यूज़ करो उस हिसाब से फाइनल केक का वेट रहेगा। चलिए, अब पानी को प्रीमिक्स में मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। 200 ग्राम प्रीमिक्स के लिए 40 ग्राम तेल डालना। हाँ, बस तेल आप कोई भी तेज फ्लेवर का ना लेना, जैसे कि कोकोनट, पीनट, मस्टर्ड ऑयल, इन्हें अवॉइड करना। बाकी सनफ्लावर या राइस ब्रान ऑयल आप ले सकते हो। ये देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी है इसकी। आप चाहो तो 1-2 चम्मच पानी मिलाकर इसे थोड़ा सा पतला करो तो भी चलेगा। मैं इसे ऐसे ही इस ग्रीस किए हुए टिन में डाल दूंगी। अब अच्छे से इसे फैला कर, थोड़ा सा हिला कर, थोड़ा सा टैप करके प्रीहीटेड कढ़ाई में हम इसे करीबन 30 मिनट या फिर अच्छे से बेक होने तक लो फ्लेम पर रखेंगे। मैंने इसे करीबन 35 मिनट्स के बाद खोलकर चेक किया तो केक अच्छे से बेक हो चुका था। आप देख सकते हो इसने टीन्स के साइड्स भी छोड़ दिए हैं। तो अच्छे से ठंडा होने के बाद आप इसे डीमोल्ड कर देना। अब पहले तो हम इसका ऊपर का हिस्सा हटा देंगे ताकि जब शुगर सिरप लगाए हम इसे ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। ये देखिए, इसे तो आप ऐसे भी खाओ तो बहुत अच्छा लगेगा ये। अब ये जो बचा हुआ केक है इसे हम 2 इक्वल लेयर्स में डिवाइड करेंगे। आप चाहो तो 3 लेयर्स करो तो भी चलेगा। प्रीमिक्स से केक बनाना बहुत ईजी होता है दोस्तों। केक काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी भी बनता है। बेकरीज में जनरली केक बनाने के लिए प्रीमिक्स का ही इस्तेमाल होता है। चलिए, अब लेयर्स तो रेडी है। थोड़े से पानी में थोड़ी सी चीनी मिलाकर शुगर सिरप बनाना, ये केक को मॉइस्ट करने में काम आएगा। ये 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम को मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया है, और आप देख सकते हो कितनी गाढ़ी, कितनी बढ़िया स्टिफ पिक्स वाली क्रीम बनाई है हमने। अब आप चाहो तो ऐसे व्हाइट क्रीम भी यूज कर सकते हो, पर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा रेड या थोड़ा सा पिंक कलर। अब केक बोर्ड पर या फिर घर की किसी प्लेट पर थोड़ी सी क्रीम लगाकर केक की एक लेयर इस पर रख देना। पहले अच्छे से मॉइस्ट करना इसे, और फिर इस मॉइस्ट केक पर इस तरीके से पाइपिंग बैग की सहायता से क्रीम लगाएंगे हम। पैचुला की सहायता से पहले प्लेन करना इसे, और अब ये मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी क्रश। वैसे अभी स्ट्रॉबेरीज का सीजन शुरू हो रहा है, तो आप चाहो तो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करके बहुत इजीली स्ट्रॉबेरी क्रश घर में बना सकते हो। उसके लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना, और फिर एक छोटे से पैन में इन्हें हम डाल देंगे। अब इसमें 2 से 3 चम्मच नॉर्मल या फिर पिसी हुई चीनी डालकर मिलाएंगे हम, और अब इसमें जाएगा साधारण 1/2 कप पानी। पानी डालने के बाद एक बार मिला देना इनको, और फिर गैस पर इसे 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाना। इन 2-3 मिनट में स्ट्रॉबेरीज अच्छे से सॉफ्ट होकर इनका कलर और फ्लेवर पानी में अच्छे से उतर जाएगा। तो फ्लेम को बंद करके एक छलनी से इनको छान लेना, और ये सिरप ठंडा होने के बाद शुगर सिरप की जगह इसे यूज करना। चलिए, और थोड़ी चीनी पैन में डालकर 1-2 मिनट इसे हम लो फ्लेम पर पकाएंगे।
चीनी के साथ पकाने के बाद हमें मिलेगा डिलीशियस स्ट्रॉबेरी जैम। इसे आप व्हिप क्रीम की लेयर पर स्ट्रॉबेरी क्रश की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये थोड़ी सी कम क्वांटिटी दिखाई है मैंने, पर इस केक के लिए कम से कम 20-25 स्ट्रॉबेरीज का जैम लगेगा आपको। या तो आप रेडीमेड स्ट्रॉबेरी क्रश यूज़ करना या फिर इस तरीके से होममेड स्ट्रॉबेरी क्रश बनाना, दोनों भी तरीके से केक बहुत ही डिलीशियस लगेगा। चलिए अभी हम इस स्ट्रॉबेरी क्रश को इस लेयर पर अच्छे से फैलाएंगे। इस तरीके से क्रीम के साथ मिलाते भी जाएंगे तो फ्लेवर और भी अच्छा आएगा इसका। टॉप से और साइड से भी देखना मैंने कितना प्लेन किया है इसे। अब इस पर जाएगी ये दूसरी लेयर और इन्हें भी हम इसी तरीके से पहले मॉइस्ट करेंगे। और क्योंकि ये टॉप लेयर है, व्हिप क्रीम पर हम क्रश नहीं लगा सकते, इसीलिए इस स्पंज पर ही थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश लगा देना। फिर इसे भी क्रीम से अच्छे से कवर किया है मैंने पैलेट नाइफ की हेल्प से टॉप को, और फिर साइड में भी हम इसे प्लेन करेंगे। एकदम फाइनल फिनिशिंग के लिए ये प्लास्टिक का स्क्रैपर लिया है मैंने। ग्रेट, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अब थोड़ी सी क्रीम में ब्लैक कलर डालकर उसे पहले मिलाएंगे, और जो किटी का पिक्चर हमें केक पर चाहिए उसके लिए मैं केक पर पहले टूथपिक से मार्क करूंगी। ऐसे अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप चाहो तो पेपर पर फेस कट करके उसे केक पर रखकर पिक्चर बनाओ तो भी चलेगा। ये देखिए, इस ब्लैक क्रीम को मैंने एक पाइपिंग बैग में भर कर इसके आगे से बिल्कुल छोटा सा कट लगाया है मैंने। छोटे छोटे से डॉट्स बनाने हैं हमें। अब चाहो तो डायरेक्टली लाइन भी खींच सकते हो, पर ऐसे डॉट डॉट से बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। चलिए अब इसी से हम आईज भी बना लेंगे। थोड़े से बड़े डॉट यहाँ पर रखना। दोस्तों, एक पाइपिंग बैग में छोटा सा स्टार नोजल रखकर इसमें मैंने व्हाइट क्रीम भरी है। इससे बनेगा किटी का क्यूट फेस। बॉर्डर के अंदर का सारा पोर्शन भर देना, बस नोज की जगह एम्प्टी छोड़ना। अब बो के लिए मैंने यूज़ किया है ये बर्गंडी कलर। बस एक बार डिज़ाइन कंप्लीट करूँ तो मैं आपको कलर्स भी दिखाऊंगी। नोज की जगह बस एक येलो डॉट लगाना, थोड़ा सा बड़ा लगाना ये। अब ये देखिए, ये मेरे पास रेड, पिंक, बर्गंडी, ये तीन शेड्स हैं। आप इनमें से आपके पास जो अवेलेबल है वो यूज़ करना। एक ही कलर के लाइट और डार्क शेड यूज़ किए तो भी चलेगा। अब केक के नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए व्हिप क्रीम में थोड़ा सा पिंक कलर डालकर मिलाया है मैंने, और जैसे वाइट क्रीम को यूज़ किया था ना हमने, उसी तरीके से पिंक क्रीम से भी छोटे स्टार नोजल का इस्तेमाल करके केक के टॉप पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। बिल्कुल रैंडम स्टार ना लगाते हुए अगर एक लाइन में आप इन्हें लगाओ तो फाइनल लुक बहुत अच्छा आएगा। अब थोड़ा सा बड़ा स्टार नोजल लेकर केक के साइड में वाइट कलर की डिज़ाइन बनाएंगे। पिंक और वाइट का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगेगा दोस्तों। स्टार नोजल से नॉर्मली केक के टॉप के बॉर्डर बनाते हैं हम, तो उसी तरीके से कुछ डिज़ाइन शेल जैसी डिज़ाइन करेंगे हम यहाँ पर। बहुत ही सिंपल पर क्यूट प्यारा लग रहा है केक। अब बस टॉप पर एक बॉर्डर बना दो तो बहुत सुंदर लगेगा। वैसे अभी कुछ थोड़ा सा काम बाकी है, वो भी करेंगे। ये देखिए, कुछ तो मिसिंग लग रहा है ना। जब तक ये लाइंस ना बनाऊं, किट्टी तो अधूरी है। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके का हेलो किटी केक एक बार जरूर बनाना और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर भी करना। अब सांता क्लॉस केक बनाने के लिए मैंने केक का आइसिंग कर लिया है। चलिए अब इसका डेकोरेशन करते हैं। तो एक बाउल में थोड़ी सी व्हिप क्रीम लेकर इसमें हमें डालना है ये रेड जेल कलर, पर जितना हो सके उतना कम डालना, मतलब एक ड्रॉप, बिल्कुल छोटा सा ड्रॉप, और अच्छे से मिला देना इसे। आप देख सकते हो हल्का सा स्किन कलर जैसा बना है, तो केक के टॉप पर हम इसे डाल देंगे और धीरे धीरे से इसे फैला देंगे।
आप चाहो तो पहले ही इसी क्रीम से केक को कवर करो तो चलेगा। मैं अभी ये जो साइड की एक्स्ट्रा की क्रीम है इसे हटा दूंगी और इस तरीके से अच्छे से प्लेन करेंगे इसे। अब क्रीम से डिज़ाइन करने से पहले टूथपिक से थोड़े से मार्क लगाना। और अब हमने जो स्किन कलर की क्रीम बनाई है उसमें से बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम साइड में निकाल कर बची हुई क्रीम में और थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम और थोड़ा सा रेड चिल कलर डाल देंगे। इस बार हमें एकदम डार्क कलर चाहिए सांता क्लॉज की हैट के लिए। अब ये छोटा वाला स्टार नोजल लेकर इससे हम हैट बनाएंगे। इसी डिज़ाइन को हम नीचे भी लेकर जाएंगे। अब ग्रास नोजल में वाइट कलर डालकर हमने ये मूछें बना ली है इसकी। इसी से बाकी का पार्ट भी डेकोरेट करेंगे। अगर आपके पास ग्रास नोजल नहीं है तो जिस स्टार नोजल से हमने हैट को डिज़ाइन किया है उसी का इस्तेमाल आप यहाँ पर भी कर सकते हो। सेम डिज़ाइन को मैंने थोड़े नीचे तक बढ़ाया है। अब फोटो के लिए हैट वाला कलर और नोजल इस्तेमाल करेंगे और आईब्रोज के लिए मैंने ग्रास नोजल का ही इस्तेमाल किया है। ये मेरे पास आंखों के डिज़ाइन के स्प्रिंकलर्स थे तो मैंने ये यूज़ किए हैं, पर आप चाहो तो मेल्टेड चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हो। अब बचे हुए स्किन कलर को बिना नोजल पाइपिंग बैग में डालकर ये हमने सिंपल सा नोज बनाया है। थोड़ा सा प्लेन करना इसे ऊपर से। मेरे बेटे को सांता के आईब्रोज नहीं पसंद आई तो इन्हें हटाकर राउंड टिप से मैंने फिर से इन्हें बनाने की कोशिश की है। हैट में भी एक बॉर्डर बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप भी इसे ट्राई ज़रूर करना और कैसा लगा आपको ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ के बारे में सबसे पहले पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।